नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक न्यूज़ एनालिसिस में। मैं सुंदरम मद्देसिया। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत कैसे परमाणु संपन्न देश बना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 11 और 13 मई सन 1998 को एक ऐसी अहम घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, जिसमें भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस दिन भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हुआ। अमेरिका जैसा देश भी उसे रोक नहीं सका। भारत ने दुनिया के नंबर एक इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के नाक के नीचे से परमाणु परीक्षण कर दुनिया में बता दिया कि भारत किस मिट्टी का बना है। पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी कुछ उखाड़ नहीं सका। भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत के इंडियन आर्मी के जवानों ने वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया को भारत से कभी उम्मीद ही नहीं थी। भारत को उन्होंने हल्के में ले रखा था। भारत ने वो करके दिखाया जो देखकर उस दिन पूरी दुनिया दंग रह गई। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बने। और जब भारत इतने मुश्किलों के बाद परमाणु संपन्न देश बना तो उसके बाद का इनका दिया गया भाषण आपको सुनना चाहिए। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। दीज टेस्ट कंडक्टेड टुडे were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। तो दोस्तों, इस तरह से भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। अब कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से भी डरता है, चाहे वो चिंदी चीन हो या आतंकिस्तान पाकिस्तान। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बॉलीवुड की एक मूवी है परमाणु, जिसे आप ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया ने देखा हमारे देश का ताकत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।